ओप्पो लेकर आया है 2024 का दूसरा धमाका, और इसमें लेकर आया है ओप्पो रेनो 11 प्रो। और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बताने वाले हैं कि रेनो 11 प्रो में ओप्पो ने क्या चेंजेस किए हैं। और आपको गाइस पता ही है कि रेनो सीरीज ओप्पो की लुक्स, डिस्प्ले और कैमरा के लिए काफी फेमस है। तो आज अनबॉक्सिंग करके हम दिखाते हैं कि क्या अपग्रेड किया है ओप्पो। तो सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि ओप्पो ने क्या इसमें अपडेट किया है। सिंपल सा बॉक्स है, जो रेनो का रेगुलरी बॉक्स होता है वो का वही निकलने वाला है। बॉक्स में देखते हैं क्या मिलने वाला है। इसमें आपको मिलने वाली है एक सिम नॉइस, जिसे आप सिम इंजेक्टर भी बोलते हैं, और इसमें कुछ कागजात मिले हैं जिसकी ज्यादा जरूरत होती नहीं है, और एक वाइट ट्रांसपेरेंट सा केस मिलने वाला है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है ये। अब हम बात करते हैं फोन की, तो फोन को एक बार के लिए हम साइड में रखते हैं। तो बॉक्स में आपको मिलने वाला है 80 वॉट का चार्जर अडेप्टर, तो ये काफी अच्छी चीज है कि 80 वॉट का अडेप्टर दिया है ओप्पो ने। इसमें आपको साथ में मिलने वाली है एक फास्ट चार्जिंग डाटा केबल, जो भी काफी फास्ट होने वाली है। अब हम बात करते हैं फोन के बारे में कि फोन में क्या अपडेट किया है, तो इन सबको साइड करते हैं और लाते हैं हम फोन के ऊपर। अब हम बात करते हैं फोन के बारे में, तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा फोन निकलने वाला, काफी प्रीमियम दिख रहा है भाई। और उसकी बैक पैनल की अगर मैं बात करूं तो मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि ये आपको मिलने वाला ग्लास बैक पैनल, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये ग्लास बैक पैनल है, ये मैट में आपको दिख रहा है, और देखिए आप मार्बल थिकनेस की जैसे लग रहा है, जिसमें आपको काफी कलर देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ उसके बैक लुक से, और कैमरा तो आपको पता है ही है कि काफी अच्छा दिख ही रहा है। तो ओप्पो ने काफी अपडेट किया है इसमें। रेनो 11 प्रो के लुक के बारे में, तो ये इसका साइड क्रोम आपको मिलने वाला प्लास्टिक फ्रेम में मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं साइड में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है इसका वॉल्यूम बटन, और आपको मिलने वाला पावर बटन। ऊपर की साइड में आपको मिलने वाला एक माइक सेंसर, और नीचे की साइड में आपको मिलने वाला सिम ट्रे आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको डबल सिम एक साथ काम कर सकती है। और आपको टाइप सी का चार्जिंग स्लॉट मिलने वाला है, और स्पीकर का ग्रिल आपको मिलने वाला है। ओप्पो के सबसे अच्छे पार्ट के बारे में, तो ये होने वाली है इसकी डिस्प्ले, और ओप्पो ने इसमें दिया आपको सुपर एमोलेड 6.8 इंची का कर्व एलसीडी, जो काफी प्रीमियम दिखने वाला है। और इसमें कर्व भी काफी अच्छी तरीके से इन्होंने दिया है कि ये आपको काफी छूने वाला। बात करूं तो आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, जिससे ये काफी स्मूथली वर्क करने वाला है। और आपको मिलने वाली है 950 निट्स का ब्राइटनेस, जो आपको काफी अच्छा फील कराने वाला है। और आउटडोर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी ये काफी ब्राइटनेस दिखने वाली है इसमें, क्योंकि आपको 950 निट्स का ब्राइटनेस इसके अंदर साथ में मिलने वाला है। और इसमें आपको साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 4nm के सपोर्ट के साथ में आपको मिलने वाला है। और इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन की अगर मैं बात करूं तो आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ में आपको ये मिलने वाला है। रेनो सीरीज जिसके लिए जानी जाती है वो गाइस होने वाला है कैमरा, और आपको पता है ये रेनो सीरीज का सबसे लेटेस्ट अपडेट आइटम होता है। इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ओप्पो ने यूज करें तीनों रेयर कैमरा में सोनी IMX709 के ग्लासेस यूज करे हैं, जो काफी अच्छी फोटोज आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसका मेन कैमरा आपको मिलने वाला 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX907 के ग्लासेस के साथ में आपको मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ तो इसका रेयर कैमरा में आपको मिलने वाला 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, जो आपको काफी अच्छी फोटोज की क्लियरिटी आपको देने वाला है। और अगर मैं थर्ड कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलने वाला है। तो इसमें फ्रंट कैमरा भी आपको 32 मेगापिक्सल के साथ में मिलने वाला है, और इसमें भी सोनी IMX709 ग्लासेस यूज करे हुए हैं। और साथ में एक और अच्छी चीज जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसमें आपको चाहे आप फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग करो, चाहे आप बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग करो, आपको 4K वीडियो रेजोल्यूशन मिलने वाला है। 4100 mAh का बैटरी सपोर्ट आपको साथ में मिलने वाला है, और उसको चार्ज करने के लिए आपको 80 वॉट का फास्ट चार्जर आपको मिलने वाला है। और ओप्पो ने काफी अपडेट किया है अपने आप को, तो आज हम करने वाले हैं ओप्पो का ड्रॉप टेस्ट। तो हम आज करने जा रहे हैं ओप्पो रेनो 11 प्रो का डिस्प्ले टेस्ट, और काफी ऊंचाई से हम इसको गिराने वाले हैं, तो गिराकर देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, तो इसमें ओप्पो ने दिया है काफी मजबूत डिस्प्ले दी है सुपर एमोलेड। तो हम करने वाले हैं इसका बैक साइड टेस्ट, तो इसको बैक साइड से भी हम गिराने वाले हैं, तो गिराकर देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, ओप्पो ने काफी मजबूत फोन बनाया है, इसका फ्रंट और बैक साइड हमने ड्रॉप टेस्ट भी आपको करके दिखाया, तो ये काफी अच्छा फोन होने वाला है, आप जाकर ले सकते हैं। और इससे पहले आप टेक आर्या को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम रोज लेकर आने वाले हैं, और बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस।